अस्सलाम वालेकुम आइए ऑर्गेनाइजिंग या टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं जब हम कोई टेक्स्ट या कोई मवाद आर्टिकल या कोई कहानी या कहानी का एक चैप्टर लिख चुके होते हैं उसके बाद उसको हमने एडिटिंग करनी होती है उसमें डिफ़रेंट स्टेप्स होते हैं पहले उसमें एक स्टेप यह है कि आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें यानी उसकी तरतीब थोड़ी सी तय कर लें उससे आपके उसकी शक्ल निकल आती है और फिर उसके बाद आप तफीली एडिटिंग उसके बाद कर सकते हैं आइए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या करना है आ, कुछ तो उसमें लॉजिकल सीक्वेंसेस हैं जैसे कि अगर आपने लिखा है और उसमें चीज़ें आगे पीछे हैं तो आप उसको तरतीब में ले आएँ इस हिसाब से कि जो कॉज है वो पहले आए एंड दि इफेक्ट शुड फॉलो यानी कि अगर बादल आए तो वो पहले दिखाए जाए और बारिश हुई तो बाद में कॉज शुड प्रसीड द इफेक्ट उसके अलावा अनदर वे टू ऑर्गेनाइज इट दैट द प्रॉब्लम शुड बी शोन फर्स्ट एंड देन द सोलूशन शुड हैपन एंड देन इल्सो देर कैन बी अ केस स्टडी एंड देन देर कैन बी अ theory. अक्सर रीडर्स टाइजिस्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा उसमें आर्टिकल्स होते हैं उसमें शुरू में बताते हैं कि एक शख्स था उसके साथ ये हुआ उसने उसकी लाइफ स्टाइल में ये चीज़ थी और फिर आगे जाके वो बताएंगे कि कैंसर हुआ और कैंसर कैसे होता है और कौन से कॉजे हैं वगैरह बट दे स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज दैट एड्स अ पर्सनल इंटरेस्ट तो ये एक आ, आम टेक्निक है और आप अपनी राइटिंग को भी इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि यू स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड देन यू गो ऑन टू द फैक्ट्स इन्फॉमेशन थियोरी फाइंडिंग्स एट्सट्रा तो दैट्स वन वे टू ऑर्गेनाइज इट अच्छा सिमिलरली ये सारी चीज़ें आप अपने मर्जी से इनको रिवर्स भी कर सकते हैं इफ़ेक्ट के बाद कॉज करें या सोलूशन पहले बताएं और फिर उसको फ्लैशबैक में लेके जाएं कहानी का एंड पहले हो और फिर जो गुजश्ता उसके इंसिडेंट्स uh, और इवेंट्स थे वो बाद में दिखाए जाएं दीज आर ऑल चॉइसेस यू कैन मेक बट इट इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर कि ये कुछ तरीके हैं कि कॉज़ और इफ़ेक्ट को आपने बैलेंस कैसे करना है प्रॉब्लम सॉल्यूशन को और केस स्टडी और उसमें से जो थ्योरी आप डिड्यूस या याखज़ कर सकते हैं उसको आपने कैसे लेके चलना है इसी तरह मेन आइडिया पहले और फिर आप जूम इन करें डिटेल्स के ऊपर सो दीज आर ऑल थिंग्स यू लुक एट you're organizing a text क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी हो सकते हैं अगेन लाइक आई सेट बिफोर के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को आप रिवर्स में भी कर सकते हैं कि जैसे किसी कैरेक्टर को हमने एक उम्र के एडवांस्ड हिस्से में दिखाया है एंड देन द स्टोरी अनफोल्ड्स अबाउट द पास्ट ऑफ दैट कैरेक्टर दीज आर इंटरेस्टिंग वेज इन विच ए स्टोरी कैन अनफोल्ड उसके अलावा क्लासीफिकेशन आप कर सकते हैं कोई जैसे अगर किसी इंफॉर्मेशन आप किसी चीज़ पे दे रहे हैं तो उसमें आप उसकी डेफिनेशन पहले बता दें इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल डी के यू कैन टॉक अबाउट हाउ दैट प्रोसेस हैपन्स हाउ दैट हैपन्स ओवर यर्स एट्सट्रा दिस इज मोर फॉर एन आर्टिकल दैट गिवस इंफॉर्मेशन और एन अ ब्लॉग दैट गिवस इंफॉर्मेशन अच्छा फिर ये तो बेसिक आपने उसका तरतीब ठीक कर ली फिर उसको आपने कोई क्रिएटिव टच भी देना है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप उसमें कर सकते हैं उसका आप कैप्शन चूज़ कर सकते हैं इस वक्त हो सकता है पहले आपने कोई और कैप्शन रखा हो और अब आपको लगे कि जो मवाद तैयार हुआ है उसके मुताबिक आपको शायद उसका कैप्शन को चेंज करके कोई और आप इंटरेस्टिंग बात उसमें लगाना चाह रहे Now, Lekin, हो चूजिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरा नाउ द ओपनिंग पैरा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरा एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट अनदर टाइम लेकिन हो सकता है कोई बीच की चीज़ हो और जो बड़ा कोई आपका पावरफुल कंटेंट बना हो आप सोचें कि नहीं इसको बीच से उठा के मैंने इसको शुरू में डाल देना है तो इसकी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और इट विल बी मोर ग्रिपिंग एंड इट विल बी अ हुक क्योंकि आपने एक हुक के साथ अपनी रीडर को रखना होता है कि ताकि वो पढ़ता रहे आगे और उसका इंटरेस्ट उसमें कायम रहे यू कैन यूज़ अ कोटेशन फ्राम अ फेमस पर्सन और अ वर्स कोई शायरी की आप लाइंस उसमें डाल सकते हैं इस पॉइंट पे एंड यू कैन मेक ऑल दोज डिसीजंस एट दिस पॉइंट और उसके अलावा टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है कि आप उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की तरतीब कर लें बुलेट पॉइंट्स करने हैं तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जब आप पैराग्राफ्स को अपने ऑर्गेनाइज़ करें तो पैराग्राफ्स बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं बेहतर ये है कि पैराग्राफ्स छोटे ही हों और एक होते हैं वन लाइन पैराग्राफ दिलचस्पी उसमें यह है कि इट क्रिएट्स एन इफ़ेक्ट ऑल इट्स ओन यू माइट थिंक कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वही जुमले अगर हम Uh, वही जुमला अगर हम पिछले पैराग्राफ के साथ अटैच करके लिख दें या उसको अलग से एक स्टैंड अलोन पैराग्राफ की सूरत में लिखें तो उससे इट मेक्स अ हीज डिफ्रेंस बिकॉज इट क्रिएट्स दैट पॉज इट एड्स ड्रामा इट एड्स इम्पैक्ट टू दैट स्टैंड टू दैट लाइन दैट स्टैंड अलोन तो इसमें एक नमूने का आपके लिए है आई एम गोइंग टू रीड सम ऑफ इट फॉर यू ब्लू मॉन्ग डेविड ब्रिकर की एक किताब है उसमें से ये एक्सेप्ट है द सन मार्चेज ओवर आर हेड्स थ्रू अ फील्ड ऑफ ब्लू बर्न्स द होराइजन our wake, yields to टू द स्टार्स पर्पल्स द ईस्ट एंड before बिफोर again. अगेन वी आर अग्राउंड इन अ रिवर ऑफ टाइम वी we वी स्लीप विद द व्हील वी टर्न ocean अराउंड our boat. जिस तरह वो लिखा गया है उसको उसी तरह अगर पढ़ेंगे तो इस तरह पॉज के साथ और थोड़े सा उसमें आ, एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट आता है इन्हीं लाइंस को जैसे नॉर्मली लिखी हुई है एक इकट्ठे पैराग्राफ की सूरत में अगर पढ़ें तो उसकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट आएगी द सन मार्चेज ओवर आर हेड्स थ्रू अ फील्ड ऑफ ब्लू बर्नस द होराइजन बियॉन्ड आर वेक यील्स टू द स्टार्स पर्पल्स द ईस्ट एंड राइजेज बिफोर अस अगेन वी आर अ ग्राउंड इन अ रिवर ऑफ टाइम वी ईट वी स्लीप विद द व्हील वी टर्न द ओशन अराउंड अवर पोर्ट सो दैट्स हाउ द रीडर विल ऑल्सो रीड इट इन देयर हेड जब आप इसको अलग पैराग्राफ्स में लिखेंगे और इन कंपैरिजन टू इकट्ठे लिखना So, these are in interesting devices that you can use when you organize your text. We hope you can use these to your benefit. Thank you.